खबर सामने आ रही है नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शन करने वाले प्रवासी भारतीयों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। कुवैत सरकार ने प्रवासी भारतीयों का वीजा रद्द कर दिया है और उन्हें अब निर्वासन केंद्र में भेज दिया गया है। अब उन्हें अपने देश यानी भारत भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत के फाहिल इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी प्रवासी एशियाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको देश डिपोर्ट किया जाएगा। फाहिल इलाके में जमा होकर ये लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। इन सभी को ट्रंकों में भरकर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है और निर्वासन केंद्र भेज दिया गया है। अब इन सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों के प्रदर्शन के लिए किसने उकसाया था। तो प्रदर्शन करना महंगा पड़ा है प्रवासी भारतीय मजदूरों को कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ। इनका वीजा रद्द कर दिया गया है, वहीं इन्हें निर्वासन केंद्र में भेज दिया गया है। अब इनको अपने अपने देश भेज दिया जाएगा। तो कुवैत सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रवासी भारतीय मजदूरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।